आशा है आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला याद होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन। इसे मान लें डिफरेंशिएशन x टू द पावर 6 x टू द पावर n का होता था n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर 6 का होगा 6 x टू द पावर 5, d बटा dx x टू द पावर माइनस 8 तो होगा माइनस 8 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 9। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो माइनस 8 में एक चला गया तो माइनस वो मतलब 9। डी बटा डी एक्स 6x टू दी पावर 5 तो ये 6 ये 5 आकर 6 में गुना हो जाएगा 30 ix का पावर 4। वास्तव में हमने 6 के साथ कुछ नहीं किया है, x टू दी पावर 5 को तोड़े हैं, 5x का पावर 4, तो फिर 5 6 में गुना हो जाएगा तो 30x का पावर 4। d बटा dx माइनस 6x का पावर 4 तो 4 गुना हो जाएगा माइनस 6 में तो माइनस 24 और x का पावर 3, 4 में से कम। d बटा dx माइनस 6x टू दी पावर माइनस 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 में तो 42 और एक्स का पावर माइनस 8, माइनस 7 में कम। डी बटा डी एक्स 8x का पावर माइनस 3, 8 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से तो माइनस 24 और एक्स का पावर माइनस 3 में घटेगा तो माइनस 4। ये सब आपका 4 क्वेश्चन हम कराए ए एक्स का पावर बी, ए एक्स का पावर बी, ये दोनों कराए x का पावर n, आई चारों कराए a x का पावर b। d बटा dx 8x का 8, d बटा dx माइनस 9x का माइनस 9, d बटा dx 20 का 0, d बटा dx माइनस 21 का 0, मैंने कांस्टेंट का 0 और के एक्स का के, तो 8x का 8 माइनस 9x का माइनस 9। अब एक ही सवाल में सब को ले लेते हैं, जैसे डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 प्लस 6x टू दी पावर 4 प्लस 3x माइनस 10, तो एक्स टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4 प्लस फिर 6 गुना हुआ 4 में तो 24x का पावर 3 और 3x का 3 और 10 का 0। आगे बढ़ते हैं, d बटा dx साइन x क्यूब, तो साइन के लिए x क्यूब को x समझा जाएगा। साइन x का होता है फॉर्मूला क्या, cos x, तो साइन के लिए x क्यूब क्या है, x की तरह है, तो साइन x इस है वास्तु में x क्यूब, लेकिन हम लोग फार्मूला पर बैठाने के लिए इसको x की तरह बिहेव करेंगे, तो साइन x का जो आंसर होता है cos x, तो साइन x क्यूब का होगा cos x क्यूब, साइन x का आंसर cos x, इसलिए साइन x क्यूब का cos x क्यूब। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देना है। अब जिसे आप x पढ़े हैं वास्तव में जो x नहीं था, जिसे आप x समझ के फॉर्मूला पर बैठाए कि साइन x का cos x माने x क्यूब को आप x पढ़े, वास्तव में x है नहीं, कहने का मतलब जिसे आप x पढ़ते हैं अगला बार उसी का डिफरेंशिएशन करने के बारे में सोचना है, तो x क्यूब का कितना होगा 3x2। आगे आंसर आपका d by dx sin cos x क्यूब, पहले साइन के लिए इसको x पढ़ा जाएगा cos x क्यूब को, तो साइन इसको पढ़ लिया आप x, तो साइन x का आंसर cos x, x की जगह cos x क्यूब। अब इस साइन का काम खत्म, जिसको आप x पढ़े हैं अब इसको एक क्वेश्चन समझिए कि cos के लिए x हो गया x क्यूब, तो cos x का होगा माइनस साइन x, x की जगह लिखाएगा x क्यूब, cos के लिए x कौन हुआ x क्यूब, अगला बार किसका डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का 3x2। d बटा dx sin cos tan x का पावर 2, तो sin के लिए इसको क्या पढ़ा जाएगा x, तो sin x का आंसर होगा cos
एक्स की जगह पूरा लिखाएगा कॉस टेन एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, फिर अब किसका बारी है कॉस का, साइन का बारी खत्म। तो कॉस के लिए एक्स कौन है, यहां से आगे वाला, मैंने टेन एक्स स्क्वायर एक्स की तरह काम करेगा कॉस के लिए। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह लिखाएगा टेन एक्स स्क्वायर। अब कॉस का भी काम खत्म, अब बारी टेन का, टेन के लिए एक्स कौन है तो एक्स स्क्वायर, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब टेन का भी काम खत्म, अब किसका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए टू एक्स। मतलब इतना बड़ा सवाल बहुत ज्यादा इतना लंबा तक जाता नहीं, फिजिक्स में छोटा छोटा ही पार्ट रहते हैं, लेकिन आप बेसिक बात समझिए, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। डी बाई डी एक्स साइन ई टू दी पावर साइन एक्स, तो इस साइन के लिए ई टू दी पावर साइन एक्स को एक्स समझा जाएगा, तो साइन एक्स का आंसर होगा कॉस आई एक्स के जगह e टू दी पावर साइन एक्स। फिर अब इस क्वेश्चन को बनाइए, e टू दी पावर साइन एक्स को नया क्वेश्चन समझिए, e टू दी पावर साइन एक्स में साइन एक्स को अब एक्स पढ़ा जाएगा, तो e का पावर एक्स का e का पावर एक्स, अगला बार किसको एक्स पढ़ा जाएगा, अब साइन एक्स को पढ़े थे एक्स, तो अगला बार इसको क्वेश्चन समझिए, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस लॉग बेस ई रूट एक्स, तो कॉस के लिए लॉग रूट एक्स क्या काम करेगा, एक्स की तरह काम करेगा, तो कॉस एक्स का आंसर होगा माइनस साइन आई एक्स की जगह होगा लॉग बेस ई रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। अब लॉग का बारी है, लॉग के लिए एक्स कौन कहलाएगा रूट एक्स, तो लॉग रूट एक्स का होगा वन बाई रूट एक्स, क्योंकि log x का होता है फॉर्मूला 1 by x। अब log का भी काम खत्म, अब बारी किसका है root x का, root x का तो फॉर्मूला आपको लिखाया ही गया था 1 by 2 root x। d by dx sin 1 by x, तो साइन के लिए 1 बाई एक्स क्या कहलाएगा, x की तरह काम करेगा, तो साइन x का आंसर cos x, मैंने cos 1 बाई x, फिर 1 बाई x अब क्वेश्चन बन गया, तो 1 बाई x का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मैंने एक बार में एक ही का करना है, एक को पढ़िए बाकी सबको x समझिए और वही मतलब फॉर्मूला बैठाइए, फिर आप जिसको x समझे उसको एक नया क्वेश्चन की तरह बिहेव कीजिए, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप को x पढ़िए, इसी तरह से प्रक्रिया चलते रहता है। d by dx tan sec x, तो tan के लिए sec x क्या काम करेगा, x की तरह काम करेगा, तो tan x का आंसर होता है sec square x, x के जगह लिखाएगा sec x। अब sec x क्वेश्चन बन गया, तो sec x का होगा sec x into tan x। d बाई डी एक्स रूट साइन एक्स, तो इस रूट के लिए साइन एक्स को एक्स पढ़ा जाएगा, तो रूट एक्स का आंसर होगा 1 बाई टू रूट एक्स, साइन एक्स को एक्स समझ के फॉर्मूला लगाए रूट एक्स का, तो रूट एक्स का होगा 1 बाई टू रूट एक्स। अब जिसको आप एक्स पढ़े थे उसे क्वेश्चन समझिए, मैंने हम साइन एक्स को एक्स पढ़े थे, तो अब साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई रूट साइन एक्स, तो लॉग के लिए क्या कहलाएगा एक्स, तो लॉग एक्स का आंसर होगा 1 बाई एक्स, एक्स होगा रूट साइन एक्स, तो 1 बाई रूट साइन एक्स। अब इस रूट के लिए साइन एक्स को एक्स पढ़ा जाएगा, तो रूट एक्स का होगा 1 बाई टू रूट एक्स, और फिर साइन एक्स का आंसर होगा ये कॉस एक्स। डी वाई डी एक्स साइन 3x³+8x, तो साइन के लिए 3x³+8x एक्स की तरह काम करेगा, तो साइन एक्स का आंसर होगा कॉस
3xq + 8x। अब 3xq + 8x अगर बार स्टेप में क्वेश्चन की तरह काम करेगा तो 3xq का 9x² और 8x का 8। इस सिंपल तरीके का हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन करके दिखाएं। आशा है आपको अब इस तरह का डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप करते ही जाना है, एक बार में एक ही को पढ़ना, बाकी सबको एक समझना है, फिर अगला स्टेप में फिर एक पार्ट को पढ़ना, फिर बाकी सबको एक समझना है। इसी तरह से फॉर्मूला बैठा दे चलना है। फॉर्मूला का अगर पूरा क्लियरेंस रहेगा तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मान लिया हम करें डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर अगर रहता ना सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किए नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सजाकर लिखे हैं। अब इसको पढ़ेंगे एक्स और इसको पढ़ेंगे एन, तो हो जाएगा एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन वन। और जिसको एक्स पढ़ने हैं अगला बार उसी का डिफरेंशिएशन करना होता था तो साइन एक्स का कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस टू द पावर 4 3x² प्लस 8x माइनस 10। तो इसको आप ऐसे लिखिए पहले कि डी बाई डी एक्स कॉस 3x² प्लस 8x माइनस 10 का होल पावर 4। अभी पूरा का पूरा टर्म आपका x कहा जाएगा और ये 4 आपका n की तरह काम करेगा, तो n इंटू कॉस 3x² प्लस 8x माइनस 10 का होल टू द पावर 3, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब जिसको आप x पढ़े हैं ये क्वेश्चन की तरह काम करेगा, तो अब स्टार्ट करते हैं cos, और अब ये x की तरह काम करेगा तो cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन, और x की जगह 3x² प्लस 8x माइनस 10। अभी cos का भी काम खत्म हो गया, अब 3x² प्लस 8x माइनस 10 का करेंगे तो 3x² का आएगा 6x, 8x का 8 और 10 का 0। इस तरह का भी आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। एक और देख लीजिए, डी वाई डी एक्स टेन साइन एक्स, टेन साइन एक्स, टेन स्क्वायर साइन एक्स। तो इसको आप पहले लिखें कि डी वाई डी एक्स टेन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको पढ़ेंगे एक्स, आई हो गया आपका एन, तो एक्स टू दी पावर एन बराबर एन इंटू एक्स, एक्स मतलब टेन साइन एक्स का पावर एन माइनस वन, में टू माइनस वन करेंगे तो वन ही रह जाएगा। अब यहाँ से टेन, टेन के लिए एक्स कौन है साइन एक्स, तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माने सेक स्क्वायर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का बारी है तो साइन एक्स का कॉस एक्स। तो आपको इस तरह का डिफ्रेंशिएशन क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मैंने लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस ई, तो लॉग एक्स बेस ई का होता है 1/x, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो डी बाई डी एक्स मान लिया कोई लिख दे कि लॉग एक्स बेस 5, तो इसका नहीं हो जाएगा 1/x, लॉग एक्स बेस ई का ही अंतर होता है 1/x, मैंने बेस में ई होना चाहिए। तो इसलिए पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सुधार रहे हैं, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ई बेस 5। हमें पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तभी होता है 1/x जब बेस में ई होता है, लेकिन यहाँ तो बेस में 5 है, तो 5 को हमने बदल लिया कितना करने ई किया, अभी किया तो बैलेंस करने के इतना से गुना करना पड़ेगा। पीछे आप लॉग पढ़ाए थे आपको कि लॉग ऐसे कटता है, ई से ई कटेगा तो ऊपर बचेगा एक्स, नीचे बचेगा 5, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, अभी क्या है, ये कोफिशियंट है, ये तो अंक जैसा है, तो हम तो बताए थे कि जो अंक है उसे कुछ करना नहीं है। जैसे कि 6x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो वास्तव में आप 6 के साथ कुछ नहीं करते, x के पावर 5 का करते हैं, 5x का पावर 4, तभी जाके मल्टीप्लाई हो जाता है कि 30x का पावर 4। तो वास्तव में जो कोफिशियंट होता है उसे हम लोग साइड कर लेते हैं, तो ये कोफिशियंट की तरह है, इसलिए लॉग ई बेस 5 साइड रहेगा,
अब बाकी log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स। एक सवाल और देखिए, d बाई डी एक्स log साइन x बेस में 4। तो ये log साइन x बेस में 4 है, सबसे पहले तो आपका काम है कि बेस में 4 को हटाकर e लिखना। तो log साइन x बेस में लिखिए e और फिर कीजिए log e बेस 4। अब क्या है कि log e बेस 4 बाहर चला आएगा, ये तो कोफिशियंट की तरह है तो बाहर चला आया, और log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई sin x, और फिर sin x का आएगा तो sin x का cos x। इससे आपका क्लियर हुआ होगा log वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लिया आपका लिखा हुआ है इस तरह से कि d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब ये हो गया आपका u इंटू v जैसा, u इंटू v जैसा। इसको u समझिए और इसको समझिए v, इसको u समझिए और इसको v। तो u को पहले छोड़ दिया जाएगा, मैंने साइन एक्स को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का कीजिए, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस, अगली बार कॉस एक्स को छोड़ दीजिए और साइन एक्स का कॉस एक्स। बाकी आप चाहे तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसको सजा के लिखो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, ऐसा आपका पीछे ट्रिग्नोमेट्री में करवाया हुआ है। d बाई डी एक्स लॉग बेस e साइन x इंटू साइन e टू द पावर x, इसको u समझेंगे और इसको भी। तो u को छोड़ दिया जाएगा, मैंने log sin x को छोड़ दिया जाएगा और इसको समझेंगे भी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin e टू द पावर x का होगा cos e टू द पावर x, और फिर e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x प्लस। अब अगली बार भी को छोड़ दिया जाएगा, मैंने sin e टू द पावर x को छोड़ दिया जाएगा, और u का करेंगे तो log sin x का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। ये था आपका यू इंटू वी। एक दो सवाल और देख लेते हैं यू इंटू वी के टाइप का। डी वाई डी एक्स साइन 3x स्क्वायर इंटू टेन 4x क्यूब, तो साइन थीटा को यू समझेंगे और इसको वी। तो साइन 3x स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा और भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स का होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह लिखेंगे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह लिखेंगे 4x क्यू, और फिर 4x क्यू का करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर। ये हो गया यू को छोड़ करके भी का डीसी प्लस, अब भी को छोड़िए मतलब टेन 4x क्यू को छोड़ दीजिए और यू का कीजिए, माने साइन एक्स का होगा cos x, माने sin 3x स्क्वायर का cos 3x स्क्वायर, और फिर 3x स्क्वायर का आप करेंगे तो 6x। तीसरा कुछ सवाल आपका u इनटू v से रिलेटेड। अब आगे बढ़ जाते हैं, u बटा v का करवा देते हैं आपको एक sin x / cos x। sin x को u समझिए और cos x को भी, ऐसे तो जनरली आप समझ रहे होंगे कि sin x / cos x = tan x, और tan x का आंसर sec स्क्वायर x, वास्तव में यही से आया sec स्क्वायर x। सबसे पहले नीचे क्या करना होता है, v स्क्वायर, तो पहले v स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ पर v करना होता है तो पहले v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माने sin x का cos x माइनस, फिर u लिखना होता है तो sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1, और 1 / cos स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। ऐसे भी आप समझते हैं आया होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। लिखा हुआ d y d x sin x / log x, कुछ कहना नहीं, सब फॉर्मूला पर बैठा हुआ चीज है, v का पहले स्क्वायर कर लें तो log e x का होल स्क्वायर v स्क्वायर, फिर यहाँ v लिखें तो log x भी ही लिखिएगा, v को छोड़ दिए और dc कीजिए u का, तो sin x का cos x माइनस u को छोड़ दीजिए माने sin x को छोड़ दीजिए और dc कीजिए v का, तो log x का
वन बाई एक्स। एक लास्ट और कराते हैं यू बटा भी, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर बटा, मतलब लिख लेते हैं कुछ भी और, रूट साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर बाई रूट साइन एक्स। तो सबसे पहले रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में सबसे पहले भी स्क्वायर, फिर लिखेंगे भी, भी मतलब क्या, रूट साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन यू का मैंने ऊपर वाले का, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको एक्स पर तो उसे नया क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस, आप क्या करेंगे, ये तो भी को छोड़ दिए यू का किए, अब यू को छोड़िए मतलब साइन एक्स स्क्वायर को छोड़िए, और किसका कीजिए भी का, तो भी यहाँ कौन है, तो भी है रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स का होगा वन बाई टू रूट साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। तो यू बटा भी का फॉर्मूला याद करना मेन जरूरी, बाकी तो डिफरेंस आप वही कर रहे हैं, यू अलग है भी अलग है, वही कर रहे हैं, एक बार यू का एक बार भी का, तो क्योंकि आपका यू बटा भी थोड़ा अलग देखते हैं। अब जैसे मान ले लिखा हुआ है कि वाई बराबर थ्री टी स्क्वायर और एक्स बराबर लिखा हुआ है फोर टी क्यू, और आपसे पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले वाई का डिफरेंशिएशन आप टी के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो थ्री टी स्क्वायर का सिक्स टी, फिर एक्स का भी डिफरेंशिएशन आप टी के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो कितना हो जाएगा ये बारह टी स्क्वायर। अब क्या करना है कि समीकरण एक में दो से डिवाइड कीजिए, तो डी टी से डी टी कट जाएगा, आपका बच जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर सिक्स टी बटा ट्वेल्व टी स्क्वायर बराबर वन बाई टू टी, मतलब वाई टी का फंक्शन है और एक्स भी टी का फंक्शन, निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले वाई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कीजिए, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देखिए ऐसा, इसे मैंने लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछा जाए कि डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, तो सबसे पहले वाई का डिफरेंशिएशन आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो वाई का डिफरेंशिएशन जब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो जाएगा टू साइन थीटा। वास्तव में साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा कंप्लीट पूरा का होल स्क्वायर, तो जब साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा को एक्स समझेंगे और स्क्वायर को एन, तो जैसे एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है वैसे ही साइन थीटा का होल स्क्वायर का टू साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। उसी तरह से वो करना पड़ेगा एक बार डी एक्स वाई डी थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का टू कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। बाकी आप समझ ही रहे होंगे किसी क्वेश्चन वन मान लेना है किसी क्वेश्चन टू, फिर वन में टू से डिवाइड करना है तो डिजिटा डिजिटा कट जाएगा, तो इतना बटे इतना, तो ये आएगा आपका माइनस वन। देखिए साइन थीटा साइन टा कट जाएगा, कॉस टा कॉस कट जाएगा, दो से दो कटेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस वन, मतलब कि डी वाई बटा डी एक्स का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा माइनस वन। तो इस तरह भी कुछ सवाल होते हैं कि भाई अलग फंक्शन रहेगा थीटा का, एक्स अलग फंक्शन है थीटा का, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले भाई का अलग करिए थीटा के साथ, एक्स का अलग करिए थीटा के साथ, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि डी वाई डी टी फोर टी क्यू, तो वही बात है अगर टी क्यू है तो यहाँ डी टी लिखा हुआ तो कौन बड़ा बात है, यहाँ एक्स तो एक्स होता था ही था, तो कर लीजिए चार टी बारह टी स्क्वायर, तो बड़ा बात तो है नहीं, तो पिछले ही सवाल हो गया डी वाई डी टी एट टी का पावर माइनस फाइव, तो आठ माइनस पाँच से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस चालीस, एक्स का पावर नहीं टी का पावर माइनस छ डी वाई डी टी आठ एक्स का पावर चार। अब यहाँ तो आपको लग रहा होगा गड़बड़, यहाँ लिखे हैं टी यहाँ लिखे हैं एक्स, हवाई कोई कुछ करना नहीं है, आपको बार बार बताए थे कि आठ को कुछ करते नहीं हम लोग, आठ तो ऐसे ही रह जाता है कोफिशियंट, एक्स के पावर चार का एक्स किसको पढ़ना है, एक्स को, तो एक्स को इसे घेर लेते हैं, एक्स के पावर चार का कितना होगा तो चार एक्स क्यू,
और आपको बार बार बता रहे हैं कि जिसको x पढ़ते हैं उसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका मतलब x का एक बार और होगा। अब बोले कि पहले ऐसा नहीं होता था, x का एक बार और होता था, लेकिन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता था, उसमें यहाँ x लिखा होता था, तो उसका मतलब होता कि dx बटा dx तो कट के आ जाता 1, लेकिन यहाँ आज लिखा हुआ है t, इसे यहाँ लिखा है dx बाई dt और वैसे का वैसे ही रह जाएगी। एक सवाल और देखिए, मान लीजिए लिखे हम लोग d बटा d थीटा और लिखा हुआ मान लिया जाए कि 6x का पावर 5, तो कर लेंगे पहले हम लोग 6 कुछ नहीं करेंगे, ये तो कोफिशिएंट ऐसे ही रह जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 का होगा 5x टू दी पावर 4। अब बारी किसका है, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन किसके साथ होगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जाएगा डी एक्स वाई डी थीटा। एक दो सवाल और देखिए इस तरीका का, जिसे मान लिया डी वाई डी टी एक क्यूब, वास्तव में ये मतलब थोड़ा फॉर्मूला लिखे हम लोग, क्यूब का वॉल्यूम है, अभी आपका काम आएगा इस तरीका का, तो एक क्यूब का कितना होगा, एक क्यूब का हो जाएगा 3a² फिर a का करेंगे आप तो a का लिखेंगे आप da/dt, हो गया आंसर आपका। अगला हमारा सवाल है कि d/dt πr² ये है एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई का कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर का होगा पहले 2r और फिर r का हो जाएगा आपका dr/dt और ऐसे ही रहेगा। इस तरह से इस तरह का भी सवाल आप क्लियर कर सकते हैं। एक फॉर्मूला था आपका लिखा हुआ कि डिफरेंशिएशन 2 पर पावर x का कैसे बनेगा, तो a का पावर x, देखिए एक होता है x का पावर n, एक होता है a का पावर x, तो x का पावर n बनाने का रूल है कि ऊपर में नंबर होना चाहिए और a का पावर x की नंबर यहाँ है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ नंबर है कॉन्स्टेंट, इसलिए कि वेरिएबल यहाँ है कॉन्स्टेंट यहाँ है, और कॉन्स्टेंट ऊपर है नीचे वेरिएबल x टू दी पावर n लगाना है, और नीचे अगर कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल तो a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x का फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x log a बेस e, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a बेस e। मान लें एक सवाल है कि dy/dx 2 का पावर sin x, तो sin x को x समझिए आप, तो 2 टू दी पावर sin x का होगा 2 टू दी पावर sin x log 2 बेस e, a का पावर x का a का पावर x log a बे c, और जिसको आप x पढ़े अगला बार उसे क्या करिए, तो sin x का cos x। मालिक सवाल है कि dy/dx और 4 टू दी पावर cos x, तो cos x को आप यहाँ x समझिए और आपका हो जाएगा ये आपका 4 टू दी पावर cos x का 4 टू दी पावर cos x log 4 बेस e, और बाकी cos x का हो जाएगा आपका -sin x। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि dy/dx x टू दी पावर 4, तो सिंपल करते 4x³, इसे फॉर्मूला लगा है x टू दी पावर n, इसमें लगा है a टू दी पावर x। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि d/dx 4 टू दी पावर 4, तो बोल देंगे 0, क्योंकि 4 टू दी पावर 4 तो कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखाया हुआ है कि 0 होता है, ये तो आसान हो गया। मतलब आप ध्यान से सोचिए, यह कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, यह वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, यह कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट, और अगर आपका सवाल ऐसा रहे कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल x टू दी पावर x, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ना, जब आप 12th क्लास में जाइएगा, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है, y बराबर x टू दी पावर x मानेंगे, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम आपको बताए भी कि हम बहुत ज़्यादा डीपली जाने वाले नहीं है, हम सीधे इसका एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपका इसका आंसर आएगा, फिर आपका लंबा वाला प्रोसेस आप ट्वेल्थ में जाएगा तो सर सिखाएंगे। तो देखिए तरीका, हम सीधे बताते हैं क्या करना है इसमें। एक बार इसको समझिए x टू दी पावर n के जैसा, x टू दी पावर इसको x समझिए, इसको n, तो लिखिए n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, x इसको समझे थे इसको n, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, आज इसको x समझते हैं उसको एक बार और करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही तो आएगा, इसे लिखें इसका फायदा है नहीं, और फिर प्लस का साइन दीजिए। मुझसे बच्चा पूछा कि माइनस का साइन क्यों नहीं देंगे, हम तो बता रहे हैं कि मतलब ट्रिक जैसा है, मतलब आप बनाते बनाते दो चार बार रियाज कीजिएगा लॉन्ग मेथड से, जब 12th क्लास में आपको पता चलेगा कि हाँ इसी तरह से आंसर बैठ रहा है। तो x टू दी पावर n, अब इसको समझिए a टू दी पावर x,
इसको a और इसको x, a टू द पावर x का आंसर a टू द पावर x log a बेस e, a कौन है तो x, और फिर जिसको x पढ़े उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का करेंगे, x के रिपीट में 1 ही आएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, बाकी इसको कैलकुलेट करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। देखिए एक दूसरा सवाल और कराते हैं, जैसे d by dx sin x का पावर cos x, पहले आप समझिए कि x टू द पावर n, तो हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, इसको हम x पढ़े थे और इसको n, अब जिसको x पढ़ना उसको एक बार और करेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x। अभी कहानी खत्म हो गया x टू द पावर n वाला, अब प्लस का साइन देना है, अब इसको समझना है a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x और log a बेस e माने sin x बेस e, और फिर जिसको आप x पढ़े हैं उसका अगला बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो cos x का आएगा आपका माइनस साइन x। एक सवाल और दिखाते हैं आपको वेरिएबल वाला, इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे n, तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू x टू दी पावर माने tan x का पावर n माइनस 1 माने sin x माइनस 1, और जिसको x पढ़े उसको एक बार और करेंगे तो उसे एक स्क्वायर x, फिर प्लस का साइन देंगे। अब इसको पढ़ेंगे a टू दी पावर x, इसको a पढ़ेंगे और इसको अब x पढ़ेंगे, तो a टू दी पावर x का हो जाएगा a टू दी पावर x और log a बेस e, और फिर जिसको x पढ़े उसका एक बार और करेंगे तो sin x का cos x। तो ऐसा है कि आपको डिफरेंशिएशन का बात समझ में आया होगा, यही जनरल डिफरेंशिएशन है जो काम आते हैं फिजिक्स में, और अगर थोड़ा बहुत लगाओ कि फास्ट हुआ तो दो बार रिपीट कीजिए थोड़ा वीडियो को, तो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है।